हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो जून 2024 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जिसे कि कैंसिल घोषित कर दिया गया है, और अब अगला एग्ज़ाम की डेट आने वाली है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब। आज इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात करेंगे कि इस ये जो एग्ज़ाम हमारा हुआ जून 2024 का, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बने। तो मैंने पूरा का पूरा कोर्स, आप सबको पता है, हर बार मैं अपडेट करता हूँ जब भी पेपर हो जाता है। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड को देखने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आए, कौन कौन से टॉपिक से आए उनकी बात करेंगे, और आपकी जो अब पढ़ाई होगी उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, अगले बार एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या होंगे, इन सब की जानकारी हम इसमें लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है नीचे ऑल लेक्चर्स का बटन होता है वीडियो के, उसको क्लिक करते हैं और वहां से हम लोग खोल लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड ये रहा हमारा। ओके, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो जो पूरी लिस्ट है कोर्स की, उसमें हर टॉपिक के आगे न्यू लिखा हुआ है। तो न्यू लिखे होने का मतलब है कि वो नया टॉपिक है। नया टॉपिक मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी डाला गया, पहले से ही था, बट इन इन टॉपिक से क्वेश्चंस बने, तो अभी अभी न्यूली इनसे क्वेश्चंस आस्क्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे न्यू लिखा है। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, सबसे पहले बात करें, टोटल 9-10 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, या इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च से दो क्वेश्चन बने हैं। तो ये पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा से ही रहता है, और इस बार भी इससे क्वेश्चन आए। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केल्स से एक क्वेश्चन आया, तो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ये सब जो टाइप्स होते हैं उससे क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आया वेरिएबल्स के ऊपर, एक क्वेश्चन हमारा सैंपल के टाइप से आया, एक क्वेश्चन वैलिडिटी रिलायबिलिटी में थ्रेड से आया, और यहाँ पे ध्यान से समझें, एक एक क्वेश्चन थीसिस राइटिंग से और एक क्वेश्चन रिसर्च एब्रीविएशन से आया। तो रिसर्च एब्रीविएशन से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, और थीसिस राइटिंग से हमारा क्वेश्चन है अरेंज करने का, जो सेक्शंस होते हैं अलग अलग रिसर्च के, डिसर्टेशन के, कि एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर उसके बाद जो है लिटरेचर रिव्यू आता है, एंड सो ऑन, इसको अरेंज करने का क्वेश्चन आया। तो ये सारे क्वेश्चन इन सर्टेन इन सभी टॉपिक्स में दिए हैं। जैसे मान लीजिए हम रिसर्च एब्रीविएशन को यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसमें नीचे टॉपिक वाइज पे वाई क्यूज में आपको लेटेस्ट पहले मिलेगा, ओल्डेस्ट बाद में मिलेगा। तो पिछले कई सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी 2 जून 2024 में आया है ना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पहले से ही था, है ना। तो इस पर रिसर्च का जो पेपर है वो टू द पॉइंट आया है, मेरे हिसाब से अच्छा पेपर आया है, और जो पढ़ाया है सब उसी के अंदर से ही आया। केवल यहाँ पे क्या है कि एक लेक्चर मैंने चेंज करा है, तो जो बच्चे दोबारा भी अगर इस कोर्स को ले रहे हैं तो भाई आप इस लेक्चर को दोबारा देखना, थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें जितने भी सेक्शंस होते हैं रिसर्च के, पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, इस पर मैंने दोबारा एक इम्प्रूव वीडियो बनाया। तो बस यही एक छोटा सा चेंज है। इसके अलावा अदर कंसेप्ट में एक क्वेश्चन जो है वो फोकल सैम्पलिंग से आया है। तो फोकल सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग नहीं है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं सैम्पल एंड इट्स टाइप्स में, वो वाला नहीं है, अलग से एक टर्मिनोलॉजी है, और उसको मैंने यहाँ अदर कॉन्सेप्ट्स में डाल दिया है। तो जो जो चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं और छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो अदर कॉन्सेप्ट्स में हर बार अपडेट करके यहाँ डालता चला जाऊँगा। तो बस आप, आई होप आपको समझ में आ गया किस प्रकार से क्या है। जहाँ न्यू लगा है वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए उसके शुरुआत में न्यू टैग लगा है। ये लेक्चर मैंने नया डाला है, तो इसको ज़रा अच्छे से देख लेना। और इसके अलावा बस आपको फॉलो ये करना है कि आपको लाइन से सारे रिसर्च के ये वीडियोस देखते हुए चले जाने हैं। अगले बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टू द पॉइंट ही बना हुआ है, तो अगले बार के लिए सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है और कुछ बड़ा भी नहीं है, 10-10 मिनट के वीडियोज हैं, और जितनी भी लास्ट ईयर मैंने यहाँ लेक्चर्स डाले हैं वो सब टू द पॉइंट है अभी तक, और बहुत ज़्यादा अपडेट्स इसमें नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप आस्क बटन दबा के पूछ सकते हैं, और ऑल द बेस्ट आप सभी को, लाइन से ये सारे लेक्चर्स देख लेना।